ओके सो लिस्टिंग लॉन्च फॉर्मूला। अब बेसिकली आप चाहते हैं जी कि वी शुडंट बाय रिव्यूज बट विल कम कम टू इट शॉर्टली कि कैसे हम लोग रिव्यूज जल्दी से ला सकते हैं। विल कम टू इट। सो अच्छा, इसमें बेसिकली अब हमने क्या करना है कि किस तरह से हमने जल्दी से प्रोडक्ट को रैंक करना है, सबसे ऊपर लेकर आना है या हमने मतलब ग्रेजुअली उसकी थोड़ी स्पीड करनी है। सो फॉर्मूला जो बेसिकली क्या है, अपने ब्रांड नेम को हम फेसबुक एडवर्टाइज कर सकते हैं, जी डेफिनेटली कर सकते हैं, बट स्टार्ट विद योर प्रोडक्ट्स, बट व्हेन इट स्टार्टेड टू वर्क देन एक्चुअली यू कम टू ब्रांड। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो बेसिकली हमने क्या करना है कि यूज दिस सिस्टम फॉर इमीडिएट सेल्स एंड रैंकिंग। सो ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट मॉड्यूल में, टाइटल कैसे हो, इमेजेस कैसे हो, बुलेट पॉइंट्स कैसे हो, डिस्क्रिप्शन कैसे हो और कीवर्ड सर्च टर्म्स कैसे हो बेसिकली। और उसके बाद आपने 5 से 10 रिव्यूज लेने हैं। 5 से 10 रिव्यूज कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ही हैं तो उनके थ्रू ले सकते हैं। मेक श्योर दैट दे आर नॉट इन पाकिस्तान बट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, एंड आई मीन वेरी would have been all right, very beneficial अगर वो अमेरिका में मौजूद है और वहां से आप बेसिकली उनसे ले सकते हैं। और उसके बाद आप Amazon sponsor products ads जो है वो चलाएं। अच्छा, किसी को, सबको पता है Amazon sponsor products ads क्या होते हैं? Right, so let's see. So इसमें basically क्या होता है, जैसे Amazon की अपनी ही एक इनसाइट, जैसे गूगल एड्स होते हैं इसी तरह Amazon के भी एड्स होते हैं। मींस कि अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फेसबुक एड्स होते हैं बट Amazon के भी एड्स होते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो अगर आप सर्च कर रहे हैं पावर बैंक, अब ऑब्वियसली लाखों लोग पावर बैंक बेच रहे हैं, राइट? अब आप चाह रहे हैं जी इन पावर बैंक के अगेंस्ट मैं सबसे ऊपर आ जाऊँ। अब आप देख रहे हैं जी ये लिखा हुआ है Sponsored by Rav Power, सबसे ऊपर उसका आ गया, no matter what। So, इस तरह से आप अपने Amazon ads को चलाते हैं, जो कि आप जब Amazon पे लॉगिन करते हैं तो आपको Amazon एक फंक्शनैलिटी देता है जिससे आप एड चला सकते हैं। अभी हम उसका भी स्क्रीन शॉट देखते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स। सो Amazon खुद से ही कीवर्ड्स बेसिकली डिसाइड करता है जो कि आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, इसको कहते हैं ऑटो एड्स। सो इसी तरह जैसे ये पहला पेज है, आप देख सकते हैं इस पहले पेज पे भी ये कुछ प्रोडक्ट्स नीचे आ रही हैं जो कि स्पॉन्सर्ड हैं। इस तरह आप लाखों करोड़ों लोगों से ऊपर आ जाते हैं और हर कीवर्ड्स के अगेंस्ट उसकी रैंकिंग होती है। और हर कीवर्ड बेसिकली यू कैन से के ईच कीवर्ड वुड हैव देयर ओन सीपीसी, मींस कॉस्ट पर क्लिक। सो पावर बैंक का अलग रेट है और पोर्टेबल चार्जर का अलग रेट, कीवर्ड, हर कीवर्ड का अलग अलग रेट है जो कि Amazon आपको बेसिकली चार्ज करता है। सो इस तरह बेसिकली आप क्या करेंगे, आप स्पॉन्सर एड चलाएंगे जो कि आपको बेसिकली क्या बेनिफिट देगा कि आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना शुरू कर देगी और फिर वो आपको बाद में एक रिपोर्ट जनरेट करता है Amazon जिस वो आप देखते हैं कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी सेल होती रही है बहुत ज्यादा और वही कीवर्ड आप बेसिकली बाद में हर जगह यूज करने शुरू करोगे, राइट? सो उसके बाद ऑब्वियसली आप शेयर करें अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक पे, जगह जगह टाइमलाइंस पे, ईमेल, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया प्रमोशन चलाएं, फेसबुक बिजनेस पेज उसका ऑब्वियसली आपने क्रिएट किया होगा, बूस्ट करें उसको एंड देन वॉच योर प्रोडक्ट सेलिंग। अगर नहीं सेल हो रही देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर आप ये सब कुछ करें एंड आई एम 110% श्योर कि ये अगर आप कर लें ये सारे जो स्टेप्स आपको बताए हैं इट वुड वर्क एंड यू योर प्रोडक्ट विल स्टार्ट सेलिंग, राइट? सो दिस इज अ प्रूवन फॉर्मूला एंड यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द मिलियनेयर्स, राइट? सो इसमें बेसिकली ये आपका स्क्रीन शॉट है बट इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग ना। ऑल इट कॉस्ट इज कि आप बेसिकली अपनी कहाँ पे आपको पैसे लग रहे हैं, सिर्फ स्पॉन्सर्ड एड पे यार, वायरल लॉन्च पे आते हैं अभी। सो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं बट दैट्स गुड पॉइंट कि विल कम टू वायरल लॉन्च। ओके,
लिस्टिंग लॉन्च सिस्टम, सो हम कह रहे हैं जी कि ऑब्वियसली हमने जैसे किया कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ लेकर 5 to 10 रिव्यू और अमेजोन एड्स चला, इस तरह से स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं कि आप बेसिकली सिलेक्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट डेट क्या है, इसकी एंड डेट क्या है, और देन यू जस्ट सिलेक्ट ऑटोमेटिक टारगेटिंग एंड देन नेक्स्ट स्टेप इट जस्ट फिनिश, और उसके बाद बेसिकली आप जस्ट एसेंस सिलेक्ट करते हैं कौन सी प्रोडक्ट के अगेंस्ट चला दो, तो ये फिर ऑटोमेटिकली अमेजोन अपने एड्स को, सॉरी आपकी प्रोडक्ट को डिफरेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट ऊपर लाना शुरू कर देते हैं और लोग जो है उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जैसे हम बेसिकली प्रमोशंस चला सकते हैं और इसमें अपनी प्रोडक्ट का कोई भी डिस्काउंट कूपन कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो आप कह रहे हैं यार अब मैं अपनी थोड़ी प्रमोशन करता हूँ इसको, इसकी रैंकिंग, क्योंकि हमें पता है कि अमेजोन की रैंकिंग कैसे काम करती है, कौन ऊपर आता है, जिसकी ज्यादा सेल हो, बेस्ट सेलर रैंक की लॉजिक क्या है, जिसकी ज्यादा सेल हो वो ऊपर होता है, वो ज्यादा हर कीवर्ड के अगेंस्ट ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो आप कहते हैं यार मेरे पास थोड़ा सा बजट है और मैं क्या करता हूँ इसको ना इसकी प्राइस $20 रख के $15 की कर देता हूँ, मीन्स के 40% डिस्काउंट जो है मैं ऑफर करता हूँ लोगों को और इसको प्रमोट करता हूँ फेसबुक पर प्रमोशन पेज पे और इसके अगेंस्ट मैं थोड़ी सी एड्स भी चलाता हूँ, तो इसमें देन यू विल आल्सो सी कि पीपल विल स्टार्ट सॉर्ट ऑफ क्लिकिंग एंड बाइंग योर प्रोडक्ट्स बिकॉज हम टारगेटिंग ऑडियंस कर रहे होंगे, सो इट्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रैफिक, एंड एक तो हमने इंटरनल ट्रैफिक देखी कि हम अमेजोन एड से कैसे ट्रैफिक ले सकते हैं और अब ये जो फेसबुक एड्स हैं वो है एक्सटर्नल ट्रैफिक, मीन्स क्या आउटसाइड ऑफ अमेजोन एड से हम कैसे ट्रैफिक ले सकते हैं और ऑब्वियसली वो ट्रैफिक कन्वर्ट कैसे होगी रिव्यूज जब होंगे आपके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिव्यूज आपके मौजूद हों और इस तरह की ट्रैफिक जब आपकी साइट आपकी प्रोडक्ट पेज पे आना शुरू हो जाएगी देन इट विल जस्ट स्टार्ट सेलिंग ड्रामेटिकली। इस तरह से आप बेसिकली एड चला रहे हैं जी, आप देख रहे हैं कि आप जैसे फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं से 50% ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स क्रिएट, लाइक ऑब्वियसली फेसबुक पेज आपने वो क्रिएट कर लिया होगा बाय दैट टाइम, तो इस तरह से आप बेसिकली उसको पोस्ट कर सकते हैं एज एन ऑफर। प्रमोशन के लिए प्राइस बढ़ाना सही है तो हर चीज पे पेनलाइज करता है, नहीं यार हर चीज पे तो नहीं पेनलाइज करता, प्राइस आपके कंट्रोल में है, यू कैन ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज बट डोंट जस्ट sort of decrease $20 to $1 but decrease it like gradually, so agar aaj aapne kuch kam kiya to next day kuch thodi aur kam kare, ek din mein itni zyada bilkul nahi kam karne, okay, so is tarah basically jin logon ko thoda sa idea hai boost post aur facebook ads kaise karte hain, is tarah basically apni product ko jo aap facebook में आपने पोस्ट की होगी उसको आप बूस्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आप बजट क्या यूज करते हैं, आई यूजली यूज $5 इफ आई नीड टू, सो लाइक 500-600 रुपए में आप बेसिकली बहुत सारे लोगों को मींस के 1 लाख से ऊपर लोगों को आप की रीच आपकी वहां तक पहुंच जाती है, सो इट्स एन अमेजिंग एंड प्रूवन फॉर्मूला, इस तरह से मतलब यू विल जस्ट वॉच योर प्रोडक्ट सेलिंग एंड आई बेट एंड आई एम श्योर एंड आई गारंटी यू दैट इट विल वर्क। राइट, सो अब जो भाई कह रहे थे कि वायरल लॉन्च कैसे यूज करेंगे, ये थोड़ा सा जो है उन लोगों के लिए है जिनका थोड़ा सा बजट है, तो अब हमने देखना है जी कि हम वायरल लॉन्च को किस तरह से हमें यूज करना चाहिए। अब लेट्स सपोज कि आपके पास जी एक प्रोडक्ट है iPhone 8 का केस, या आपके पास कोई प्रोडक्ट है वाटर बॉटल है या और कोई भी प्रोडक्ट बेसिकली जो कि आपके पास इस वक्त मौजूद है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप कीवर्ड स्काउट में आएंगे। राइट, आप कीवर्ड स्काउट में कहते हैं जी कि मैं आईफोन 8 केस के अगेंस्ट देखता हूँ ये कैसा कीवर्ड है। अब आईफोन 8 केस क्या करता है, सॉरी आईफोन केस बेसिकली 8 केसेस आईफोन केसेस मीन ये बता रहा है आपको कि एक दिन में जंगल स्काउट बता रहा है 71,451 लोग इसको सर्च करते हैं, 5,76,184 लोग ब्रॉड मैच मींस कि जिसमें आईफोन केस आता है बट और भी कीवर्ड्स होते हैं ये एक दिन में सर्च करते हैं। राइट, सो इमेजिन द पोटेंशियल एंड देन ये कह रहा है आपको रिकमेंडेड गिव अवे, ये कह रहा है कि
एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेली प्रमोशनल गिवअवेज मींस कि अगर आपके पास बजट है थोड़ा, आप कह रहे हैं जी कि मुझे बस टॉप थ्री में ला दो, मैं नहीं वेट कर सकता इतना लंबा कि एक दो माह बाद मैं ऊपर आऊं जिसमें मेरी सेल 1,000-2,000 हो, मुझे बस कल से ही 1,000-2,000 सेल चाहिए, मैंने कल से ही ऊपर आना है, मुझे नहीं फिक्र मेरे पास थोड़े से पैसे ज्यादा है, तो आप क्या कह रहे हैं जी? ये कह रहा है आपको जंगल स्काउट के 85 मींस के 85 यूनिट्स आपने फ्री गिव अवे देने हैं लोगों को, मींस ऑब्वियसली लोगों को देने हैं मींस कि लोग बाय करेंगे आपकी साइट से, बाय करेंगे मींस कि आपका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो ऊपर आएगा, और अमेज़न की क्या लॉजिक है कि जो ज्यादा सेल होती है उसको ऊपर लाते हैं, तो वो कह रहा है जी अगर आप जो है ऊपर आना चाहते हैं बिल्कुल, तो 85 जो है 85 एटलीस्ट 1 वीक के लिए दें, मींस कि आप बहुत सारे 500 यूनिट्स मंगवा लेते हैं और आप 5 दिन के लिए बेसिकली इसको फ्री देते हैं, और ऑब्वियसली आपने मेक श्योर करना है आप इन्वेंट्री रन आउट नहीं करें, क्योंकि और भी जब आप रन आउट कर देंगे तो फायदा क्या ऐसी रैंकिंग है, तो इसलिए आपने न्यू ऑर्डर इन क्यू रखना है। सो यहाँ पे आपकी जो ये भी बताते हैं नुमान, सो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने 85 डेली देने, इसमें अब जो HSA बिड है इसको कहते हैं कि हेडलाइन सर्च एड, मींस कि जब Amazon एड्स लाते हैं आप तो वो आपको कहता है कि हेडलाइन पे लाना है कि कहाँ लाना है एड्स ये आपका, तो जैसे ये हेडलाइन सर्च इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी 110 इस तरह की आप सबसे ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग से भी ऊपर सबसे ऊपर आ जाते हैं, मींस कि आप कह रहे हैं जी कि आईफोन केस जिसको 5,76,000 लोग दिन में सर्च करते हैं, मैं $1.59 लगाकर इसके ऊपर सबसे ऊपर आ जाऊंगा, ये पर क्लिक है, कोई क्लिक करेगा तो आपको इतने पैसे पड़ेंगे। एग्जैक्ट पीपीसी बिड जो भी हमने देखा कि इसकी जो गूगल है सॉरी अमेज़न एड्स हैं उसकी पीपीसी है, मींस पे पर क्लिक, वो भी जो अमेज़न एड्स आप चलाएंगे आप इस कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे और कहेंगे जी 1.21 अगर मैं पर क्लिक ऐड करता हूँ या रखता हूँ तो ये मेरा सबसे ऊपर आएगा, राइट? अब बेसिकली आप कह रहे हैं जी रिकमेंडेड गिव वे, ये मैं कहाँ से दूंगा, कौन लोग है मेरे पास, तो इतने लोग है ही नहीं, ये सर्विस कहाँ से आएगी, कौन लोग मेरी 85 बाय करेंगे जो लाइक 90% डिस्काउंट पे आपने कूपन ले देना है ना लोगों को, तो इस सर्विस का नाम है वायरल लॉन्च। जो वायरल लॉन्च क्या करता है बेसिकली आपको हेल्प करता है, आपको बेसिकली कहता है कि जी हमें बताओ कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट आप चाहते हैं कि ऊपर आए, ये आपको कुछ कीवर्ड भी रिकमेंड करता है, आप डोंट जस्ट गो फॉर लाइक हम कह रहे हैं जी कि हम आईफोन केस पे ही जाना है, आपको छोटा कीवर्ड देख लें यार, मतलब डोंट जस्ट गो विद अ वेरी बिग थिंग, स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल जो के छोटे से एटलीस्ट उस कीवर्ड के अगेंस्ट आ जाएं जो कि बड़ा थोड़ा सा कम सर्च हो रहा है, इतने बड़े कीवर्ड के अगेंस्ट ना चले जाएं, जैसे ये है अगर आप कह रहे हैं कोई फोन एड सर्च करे जिसको 900,000 लोग बेसिकली 917 लोग 1,000 ऑलमोस्ट लोग सर्च करते हैं, इसके सिर्फ 2 गिव अवे हैं, सो व्हाई नॉट यू टारगेट फोन एड फर्स्ट instead of going to the very very big keyword, right? So इसलिए हम basically उस तरह के भी keyword pick कर सकते हैं जो कि छोटे keyword हो, इतने heavy keywords नहीं है। So इसमें let's just make sure कि हम इसमें छोटे से start करें ताकि हमें इतनी investment भी ना करनी पड़े और हमें proven system भी पता चल जाए। So इसमें you think about this। इसमें जैसे अगर हम इसकी sort of pricing देखते हैं तो वायरल लॉन्च है, इसमें और बहुत सारी सर्विसेज हैं, जूम के नाम से देयर आर मेनी मेनी सर्विसेज बेसिकली हु डज ऑल ऑफ दिस, सो इसमें आप देख रहे हैं जी बेसिकली आप कह रहे हैं जी ये इसकी सर्विस है, ये आपको सारा कुछ यहाँ से ये चीजें आपके लिए करेगा, और मतलब ये भी आप बेसिकली देख रहे हैं, आप इसको मंथली हायर करना चाहते हैं तो यू आर सेइंग के क्या क्या वो आपके लिए कर सकता है, यहाँ से यू कैन सी के विच प्लान इज सूटेबल फॉर योर नीड्स, सो बट एज आई रिकमेंड स्टार्ट विद वेरी स्मॉल, ये तो ऑब्वियसली वो तरीका है कि आप कह रहे हैं मेरे से वेट नहीं होता भाई, मेरे पास पैसे हैं और मुझे जो है बस जल्दी ऊपर आना है और मुझे जल्दी जल्दी स्टार्ट मेकिंग मनी करनी है, ये वो तरीके हैं, बट अभी हमने वो तरीके भी देखे जो कि ग्रेजुअली बिल्डअप होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होंगे, मीन्स कुछ महीने लगेंगे, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स लगेंगे उसको, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रैंकिंग डेवलप करना शुरू करेंगे, जैसे रिव्यूज ले रहे हैं,
और इस तरह से आप प्रमोशंस रन कर रहे हैं, बट आप कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मुझे जल्दी जल्दी जो है ना आसिफ जरदारी जितना अमीर कर दो, तो आप बेसिकली जल्दी से ये सर्विसेज बाय करके आप अपनी रैंकिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है।